चार बच्चे लेके हिंदुस्तान में घुसी है, कैसे घुसी है? एपी सिंह जैसे वकील ने, सचिन जैसे ने चार बच्चे के बाप को उसके बच्चे छीन लिए। आओ मारो ना, किसी के दम हो तो मार के दिखाओ। आओ जिसके मायके दूध पिलाया है तो आओ ना भैया, मैं देखता हूँ, अकेला नहीं हूँ भाई, भारत साथ है मेरे, तो यहाँ से भगाऊंगा, सुन लो मेरी बात, और उसके बच्चे दिलाऊंगा उस गुलाम हैदर के, एपी सिंह जैसे, ऐसे ऐसे वकील जो हमारे देश में हैं, ऐसे ऐसे मैं दरनिकार करूंगा, ऐसे ऐसे वकील। जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं सूर्य वर्मा, जो भारत के अंदर यानी हमारे देश के अंदर सूर्य वर्मा गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं एक इंसानियत के नाते। और दोस्तों बात सही है, वो पाकिस्तान का है या कहीं का भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, और हम भी सोशल मीडिया पर और सूर्य कुमार भाई जैसे लोग जो है यानी गुलाम हैदर की इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो कि गुलाम हैदर के पक्ष में सूर्य कुमार जैसे कि बोल रहे हैं, तो उनको कुछ लोगों ने यानी धमकी दी गई। सूर्य कुमार का इस पर एक इंटरव्यू आया और सूर्य कुमार जो है यानी गुस्से में लाल हो चुके, और उन्होंने सीमा, सचिन, एपी सिंह जो उसके सपोर्टर हैं, कुछ लोग हैं जो इस भगोड़ी को यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, यानी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। सूर्य वर्मा जी को एक मैसेज देते हैं। सूर्य वर्मा जी, आप जो है बिल्कुल दबना नहीं, और आप जो है इंसानियत के नाते जो है आपने सपोर्ट करनी है, और हम सब आपके साथ हैं, और ये जो भगोड़ी हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसी है इसे भगाना है, और हैदर को जो है उसके बच्चे दिलाने हैं, इंसाफ दिलाना है, तो आप जो है लगे रहे। ये मैसेज है सूर्य वर्मा जी को। दोस्तों सूर्य वर्मा जी ने इस पर क्या कहा? कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, जैसे कि उसमें से एक, पाकिस्तान से आपको पैसे मिले हैं क्या जो आप इतना सीमा हैदर के लिए बोल रही हैं कि वो चली जाएंगी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और एक बात ये कह रहे हैं पाकिस्तान से पैसा, देखिए हमें आज तक ना मैं ऐसी बात सोच सकता हूँ और ना ही मैंने किसी से कोई पैसे की बात करी है। मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा, गुलाम हैदर को, एक परी उसके बच्चे की बात आई उसको देखा है, एक इंसानियत की बात करता हूँ। इसके अलावा किसी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ना कभी लूंगा ना कभी, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में किसी का मैंने पैसा नहीं लिया है, और ना मैं एक सच्चाई की बात पे, मेरे को गालियां भी देते हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी आ गई। ये देखो आओ ना, क्या कहते, कह रहे पैसा ले रहा है। अरे भैया मैं एक बाप का दर्द दिखा रहा हूँ, एक बच्चों को दिखा रहा हूँ, एक चार बच्चों को लेके हिंदुस्तान में घुसी है, दिखाओ इस चीज को, चार बच्चे लेके हिंदुस्तान में घुसी है, कैसे घुसी है? मेरी हमारी जांच एजेंसी ने पूरा वक्त दिखाया है। एपी सिंह जैसे वकील ने, सचिन जैसे ने चार बच्चे के बाप को उसके बच्चे छीन लिए, ये दिखाओ, ये दिखाते हैं कि कौन कैसा पैसा खाता है। एपी सिंह जैसा पैसा खाता है, सचिन पैसा खाता है, सीमा हैदर पैसे खाती है, हमारे जैसे इंसान नहीं, हम सच्चे भगवान के हम बच्चे हैं, हमने कभी किसी का हम किसी पे उंगली नहीं कर सकते। हमने अगर कसम खाई है तो मैंने एक कसम खाई है। अब बात अगर ऐसी आती है मुझ पे गाली, मुझे भी एक धमकी भी मिल गई कि यार तुझे मारा जाएगा, क्या तू पाकिस्तान की बात करता है, तू एक गुलाम हैदर की बात करता है, एक सीमा हैदर की बात करता है। मैंने कहा भाई मार दे, आओ मारो ना, किसी के दम हो तो मार के दिखाओ। आओ जिसके मायके दूध पिलाया है तो आओ ना भैया, मैं देखता हूँ, अकेला नहीं हूँ भाई, भारत साथ है मेरे, मीडिया मेरे साथ है, और डरने वाला इंसान नहीं हूँ। चलो मजबूती, मेरी माँ ने मजबूत पैदा कर रखा है और शेर पैदा कर रखा है भैया, ऐसे नहीं किसी से बात करता, और अपने दम पे चलता हूँ, ठीक है, भोंकने से कुछ नहीं होता, कोई करके दिखाए, ठीक है। अब मैंने गुलाम हैदर की बात अब फिर कर रहा हूँ। भारत, हमारा भारत ने कहा, हमारा भारत सुप्रिय देश है मैडम, संविधान है, सब कुछ अच्छी बात है हमारे देश के अंदर। सुनो, गुलाम हैदर की भी बात सुनी जाएगी, उसके बच्चों की बात सुनी जाएगी, उसको बच्चे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई तो लड़ाई लड़ेगा क्या? एक हर और चार चार बच्चों को लेके किसी देश में भाग दिया, आज हम जो हमारे भारत में से पाकिस्तान से उसको धक्के लेके भारत से घुसेड़ दिया, सुन लो फरार हो गई। सर अंजू तो वीजा लेकर गई थी, लेकिन जो आप सुनो सीमा है बात है ना, एक सामाजिक बात करो ना, वो वीजा लेके आई किस तरह लेके आई, ये तो इलीगल घुसी है सीमा इधर, इलीगल आई है तो उस पर भी एक सवाल है एक यूजर का कि जब वो अवैध तरीके से आई थी तो उसे पहले ही क्यों नहीं भारत से भगा दिया गया, क्यों उसे यहाँ रहने दिया जा रहा है? सर वो भी एक परिवार बना के रहने दिया जा रहा है, सख्त कार्रवाई होगी इस पे, सीमा पे, सचिन पे और एपी सिंह पे, एक वकील का भी घमंड टूटेगा, समय आता है मैडम, ठीक है ना। एक एक उसमें चैन पे नहीं दिया, कह रहा भैया मुझ पे मतलब धमने की कोशिश की गई है,
क्या मैंने एक बात रखी? क्या एक बात की बात नहीं रख सकता? क्या मैं भारत का नागरिक हूँ? मैं किसी इंसान की बात नहीं रख सकता? मैंने एक इंसानियत की बात रखी है। और भैया किसी मैं किसी से लड़ता नहीं मैडम। अब भारत का भारत मेरे साथ है भारत। अबे ऐसी छोटी छोटी बातें मैडम आप बता रहे ना, कमेंट में लोग लिखते हैं, सुनना मेरी बात। अरे दम हो सामने आओ ना, दम चाहिए मैडम। जिगरा यहाँ से रखता हूँ यहाँ से, ठीक है? किसी से डरता नहीं हूँ, भारत का नागरिक, भारत की बात करूंगा। और इसको सीमा को इसको यहाँ से भगाऊंगा, सुनना मेरी बात। और उसके बच्चे दिलाऊंगा उस गुलाम हैदर के। एक बाप का दर्द है, एक बाप की आत्मा है, एक बाप का सम्मान है मैडम। एक आज देखो उसकी माँ भी रो रही है। क्या एक बाप की बात उठाना गलत है? क्या मेरा देश बताए? कमेंट में मुझे ये जरूर बता दे कि भैया मैं गलत बोल रहा हूँ एक बाप के लिए? एक बाप का दर्द नहीं होता? एक बाप के बच्चे नहीं होते? चार चार बच्चों लेके हिंदुस्तान में घुसी बैठी है, कौन लिखाएगा? एपी सिंह जैसे ऐसे ऐसे वकील जो हमारे देश में हैं, ऐसे ऐसे मैं दरनिकार करूंगा ऐसे ऐसे वकीलों को। सुन लो मेरी बात, ठीक? आप ये दिखाओ ना, किसी बाप का वो दिखाओ जो नहीं पसार के भारत से भीख मांगी उसने। अरे हम ऐसे निर्दयी देश हमारा, ऐसा भारत हमारा। अरे भारत में बहुत शक्ति है, भारत एक बहुत सहनशीलता है। हर जज, हर आदमी, भारत का हर हर इंसान ने गुलाम हैदर की बात समझी है, ठीक है? मुझे क्या पैसा लिया? अरे भैया मेरा पाकिस्तान से सारा क्या लेना देना पाकिस्तान से? मेरे भारत में पैसे की कमी है क्या? अच्छा कमाता हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ। सुन लो ऐसे ऐसे तो मैं ये भी कह रहे हैं हैदर को वीजा ही नहीं मिलेगा भारत से, वो बच्चे क्या लेके जाएंगे? देखिए एक प्रक्रिया होती है। देखो उसके पास पाकिस्तान का आधार कार्ड है, पाकिस्तान का पहचान पत्र है, पाकिस्तान के उसके पास डॉक्यूमेंट है। वहां पर अपनी FIR अपने वकील के द्वारा भारत सरकार उच्च आयोग में अपने यहाँ पर दे, भारत सरकार से, ठीक है, अपील करे अपने कानून के तहत। यहाँ करेंगे आपको वीजा नहीं मिलेगा। वीजा क्यों नहीं मिलेगा? वीजा भी मिलेगा, भारत आएगा, भारत में स्वागत के लिए मैं बैठा। सुन लो मेरी बात, ठीक है? 30 करोड़ लोग भारत गुलाम हैदर के पक्ष में आए हैं, भारत के, भारत सरकार सख्त हुई है बात लेके। और उस बाप का दर्द समझा है सरकार ने, ठीक है? उस बाप की आत्मा समझी है, एक परिवार टूटा है। और बात उसकी ये दिखाओ, बड़े बड़े चैनल आज हर हर उसके चूड़ी खनकी ये दिखा देते हैं। ये क्यों नहीं दिखाते? बाप का दर्द दिखाओ, उसके बच्चे दिखाओ। मैडम नहीं चलेगा, मैंने एक बात उठाई और इस आवाज को और तेज करूंगा मैं भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर इस आवाज को तो और तेज करूंगा। अंजू जैसी, जैसे पाकिस्तान से उसको धक्के लेके भाग है, 35 घंटे से लापता हो गई है, सुन लो क्या है, ठीक है? और उसका पति है अरविंद, सुनो मेरी बात, उसकी बेटी है अंजू की, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं ऐसी माँ के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भैया, कमेंट हर इंसान का कमेंट में हक होता लिखने का। सभी कमेंट लिखने वालों को एक बात जरूर कहूंगा, मैं सच्चे दिल से, आत्मा से, मैं अपने परिवार को साक्षी मान के कहता हूँ भैया, ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ, मैंने सच्चे दिल से, आत्मा से एक इंसान का दर्द समझा है, एक पिता की मदद कर रहा हूँ, वो दुनिया में कहीं है। अगर ये गलत है तो भैया इंसानियत मर जाएगी, इंसान से इंसान का भरोसा उठ जाएगा। मैं कहता हूँ इस दुनिया को दिखाओ, ठीक है? मैं कहता हूँ दुनिया को दिखाओ, हर इंसान को एक इंसान की मदद करनी चाहिए। ये तो चार बच्चों का भविष्य है, एक पिता का भी सम्मान होता है, एक पिता का दर्द होता है। मैंने सिर्फ एक पिता का दर्द समझा मैडम, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है।